हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। जैसे कि आपने देखा, मैंने सब्जियां काट ली हैं। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर। तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, बिकॉज एक बार आपने पहले कभी बोला भी था मुझे कि सांभर की रेसिपी शेयर करो, बट हमेशा मम्मी बनाती है, काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, मतलब रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हमारा को ना राजमा, सांभर, दाल, पनीर, छोले, ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे तरह उसका टेस्ट खाने में। तो मैं कहा चलो जब तक वो स्कूल से आएगी मैं बना भी दूंगी, तो चलो जल्दी से किचन में चलते हैं। और आज हो सकता है मम्मा भी आए, मतलब जसमीत की मम्मा भी लंच पर आए हैं। अभी इनका कुछ पक्का नहीं पता, 90% तो है कि वो आएंगी, बट अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो मेरे को ये भी है कि मैं जल्दी से बना लूँ, क्योंकि अगर मम्मा आ गए तो जल्दी से पहले से टाइम से बना हुआ हो। तो चलो जल्दी से किचन में चलते हैं, सब्जियां तो कट गई हैं, आगे की तैयारी करते हैं। गाइस, ये मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं सांभर के लिए, और बीन्स, गाजर, लौकी, घिया, एक टमाटर लिया और एक हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से धो लिया है। स्टार्ट करते हैं अब सांभर बनाना। दाल भी मैंने आते ही भिगो दी थी, अरहर की दाल है ये एक कटोरी। और डोसे के लिए आलू भी बॉयल कर लिए, थोड़े ज़्यादा हो गए आज क्योंकि कुकर में सीटी नहीं आ रही थी, मम्मा और मुझे पता ही नहीं चला, ज़्यादा हो गई। सब्जियाँ, टमाटर भी मैंने देखो यहाँ पे छोटा छोटा काट के डाल दिया है, ये रहा इस तरह से। और एक हरी मिर्च भी काट के डाल दिया मैंने, इमली भी गोई थी गर्म पानी में, इसको भी मैं अच्छे से मैश करके फिर इसका पानी भी इसमें डाल दूँगी। मैंने इमली का पानी छान लिया है पानी, और अब ये नॉर्मल पहले पानी डालूँगी मैं इसमें। पहले कम ही पानी डालना क्योंकि हमें अभी इसको सीटी लगानी है, ज़्यादा पानी होगा तो पानी बाहर निकल सकता है। बाकी थोड़ा सा इमली वाला पानी डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और नमक डाल के मैं इसको उबालने रख रही हूँ। कर रही हूँ एक ये आलू, जिसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है गाइस, बहुत ज़्यादा ही उबल गया। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी टेस्ट अच्छा बनेगा, बट इसको डालने से एक थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और जो इसमें सबसे मेन है अब लास्ट, वो डलेगी ये दाल, ये मैंने धो के रखी थी, इसका पानी निकाल कर मैं इसको भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, सब कुछ हमारा इसमें आ गया है, और अब हम इसमें दो सीटी लगा देंगे। और फ्लेम आपने ज़्यादा लगानी है, ज़्यादा पे आपने सीटी करनी है, कम पे मत करना वरना सब कुछ घुल जाएगा, सारी सब्जियाँ बिल्कुल घुल जाएंगी, पिस जाएंगी। फ्लेम एकदम हाई पे। चार प्याज मैंने छील कर धो लिए हैं, और यहाँ इसमें दो सीटी भी लग गई हैं। अब हम बनाएंगे डोसे वाले आलू। आधी प्याज हम डोसे वाले आलू के लिए रेडी रखेंगे, और आधी हमारी जाएगी सांभर के तड़के में। तो मैं फटाफट से इसको काट लेती हूँ। डोसे वाले आलू, प्याज, बस होने ही वाला है, इसका तड़का करना है, आलू का भी तड़का करना है, सांभर भी आ रहा है। तेरे को काम जो करना है वो है नारियल उठा और तोड़ फटाफट से, और दूसरा काम एक और उससे पहले कि टमाटर तीन धोकर दो सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया था, और उसके बाद स्टीम अपने आप निकली है। अब ये फिर बन गई, अभी तो निकल गई थी, अभी तो निकली थी ढक्कन के लिए। ये खुशबू आई है सब्जी, अभी तो कच्चा उबला है बस, ये देखो इस तरह से
अभी ये पक्का नहीं है, इसको ना साइड कर दो, इसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दो। अब हम लगाएंगे सांभर का तड़का। टमाटर की तमन्ना पीस रही है, तीन तीन टमाटर ये वाले। जब तक मैं जाती हूँ बाहर से फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ के। हमारा कड़ी पत्ता ना गाइस सूख गया, बचा नहीं इसमें, तो ये हमारा सांभर के लिए भी काम आएगा। रुक जा भाई, मम्मी के साइड भी लगा हुआ है पीछे, उस वाली बालकनी के साइड जहाँ मशीन रखी है। बट पहले ना ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा सांभर में भी काम आएगा, और जो अभी हम डोसे वाले मसाला आलू बनाएंगे ना उसमें भी काम आएगा ये। सांभर को तड़का लगा रहे हैं, तो हमें तड़के के लिए चाहिए राई, खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, टमाटर प्यूरी, एंड इसमें से आधे प्याज हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे पैन में तेल, और गैस ऑन नहीं करेंगे। गैस नहीं ऑन है, मैंने देखी ही नहीं। हम इसमें डालेंगे ये देखो, तेज कर दो दीदी। ये डाल दी हमने इसमें राई, इससे फिश भी बनती है ना पीस के, हाँ, वो पीली वाली होती है। तो थोड़ा सा इसमें ना मैं डालती हूँ, हींग भी डाल सकते हो, और ये वाली हींग बहुत अच्छी है, है ना तमन्ना, सही फ्रेग्रेंस है इसकी, इतनी सी काफी है, इसमें कमाल कर देगी, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, ये डाल दिया भाई। जो एक कड़ी पत्ता डालोगे ना, एक टिश्यू लाना ऐसे, तो गीला कड़ी पत्ता मत डाल देना, तेल गरम है, ऐसे ना टिश्यू से सुखा लेना धोकर। वैसे अभी भी ये छींट मारेगा, पर इतनी नहीं मारेगा। इससे पहले मैं डालूंगी तीन कड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें जाएगा प्याज, ही प्याज बचाएगा आपको छींट मारना। अब डाल दो कड़ी पत्ता। मेरी ट्रिक, मेरी ट्रिक तो प्याज है, यूज करेंगे आलू। देख लीजिए आप कैसे लग रहा है सांभर का तड़का, सबसे तो वही है, मैं पहली बार बना रही हूँ ना। तो देखो गाइस, बस ऐसे कर रहे हैं आपने, बिल्कुल काला नहीं करना। और देखो मैंने कितने मीडियम साइज से, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं काटी है मैंने, पास लिया कैमरा, बहुत ज़्यादा पतली नहीं काटी है मैंने प्याज। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। अभी एक और मेन इंग्रेडिएंट है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, जो अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं ऐड करा, बताओ क्या, बताओ बताओ गाइस, अगर किसी को याद आ गया तो कॉमेंट करो जल्दी से। तो इसमें अभी हमें सांभर मसाला भी ऐड करना है। चिटकी आ रही है, कहाँ आ रही है, चिटकी इस तरह से, जो भी बचा बुचा मटेरियल है उसको भी आपने डाल देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अभी तक हमने कहीं नहीं ऐड करा, इसमें हल्दी करी थी, नमक करा था, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च करी थी, सिर्फ धनिया पाउडर अभी इसमें जाएगा बस इतना। और अब हम इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक भुनने देंगे मसाले को, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सांभर मसाला, जो कि हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, अगर ख़त्म हुआ तो लेने जाना पड़ेगा। वैसे मम्मी कह रही है कि अभी कल परसों उन्होंने सामान मंगाया है, तो उसमें मंगाया है मम्मी ने, फटाफट से ढूंढ लिया ना गाइस, ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, डरा दिया इसने, दो मिनट का सुबह मंगा दिया था हमने। ये आपने डालने में कंजूसी नहीं करनी, मैं तो ये भड़ा भड़ा हुआ कह रही हूँ, ये बड़ा स्पून अच्छे से डाल देती हूँ, क्योंकि टेस्ट तो इसी से आएगा ना सांभर का। धनिया पाउडर भी हमने कम डाला, ये डाल दिया इसके, इतना तो डाल ही देना। तो अब मैं इसको अच्छे से भुनने दूंगी। अब मैंने जैसे ही सांभर मसाला डाल दिया ना, फ्लेम कम कर दी है, और अब मैं इसको अच्छे से भुनने दूंगी, जब तक ये थोड़ा सा तेल नहीं छोड़ देगा। साथ ही साथ यहाँ नारियल टूट रहा है। क्या तू तो पिछली बार बड़ी बातें कर रही थी, ये ट्रिक वो ट्रिक। जी सच्ची में नहीं टूट रहा है, मतलब दो हथौड़े में खुल जाता है। अरे ऐसे मत कर लड़की, चाकू देना एक, चाकू से नहीं कर, इससे कर, तू चुप रह, अगर हाथ में लग गया ना इससे कर ले, हो जाएगा इससे, कितनी तो धार है इसमें।
और ये एग्जॉस्ट चलाना पड़ रहा है, गर्मी बहुत है। मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया, तेल छोड़ रहा है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे ना आपका मसाला बहुत ड्राई हो गया है, मसाला डालने का मतलब बहुत सूखा सूखा हो रहा है, तेल चिपक रहा है कढ़ाई में, तो आप क्या करना, आप ये जो ये वाला पानी होगा ना अपना, ऐसे निकालना कुकर से और इसमें डाल देना। देखिए ट्रिक, अब बस हमारा ऑलमोस्ट यहाँ मसाला हो चुका है। इसको अब मैं इसमें डालूँगी और इस कुकर को इधर रखूँगी और इस कढ़ाई को इधर रखूँगी और इसमें पानी बॉईल करूँगी और इसमें डालूँगी। दिखाती हूँ कैसे, समझ आया कैसे? नहीं। अभी समझ आएगी। इसको भी जला दूँ, ठीक है। ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया अच्छे से, दिख रहा है। इस तड़के को हम डालेंगे इसमें ऐसे। ये बाहर कैसे लग गया रे दीदी? अरे बाबा ये आ गया इसमें, ये भी आ गया इसमें, ये वाला जो पानी मैंने लिया था ये आ गया इसमें। इसको उबालेंगे क्योंकि अभी हमारा सांभर बहुत। अरे बंद क्यों कर दिया दीदी? अरे एक ये खड़ी है मेरे साथ, इसको उबालना है ना, कच्चा पानी थोड़े डालेंगे। सांभर इधर आएगा, थोड़ा सीख लो बनाना कुछ। आप हो ना? मैं बनाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी ना। शादी वादी नहीं करनी? नहीं शादी नहीं करनी दीदी। अब फ्लेम को यहाँ कम कर दो और इसकी फ्लेम ज्यादा कर दो क्योंकि हमें इसे जल्दी उबालना है। शादी वादी बेकार है, बेकार है। देखो पानी अच्छे से उबल गया है, इसको अब मैं आराम से गर्म है पड़ रहा है, जलना नहीं गाइस, ऐसे डाल देते हैं। इसमें सीटी लगेगी? नहीं। अब इस स्टेज पर ना आप नमक भी टेस्ट कर लेना, खट्टा भी टेस्ट कर लेना। मैंने अभी टेस्ट करा था तो मुझे खट्टा कम लगा, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा और ये इमली का पानी निकाल के रखा था, ये मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें नमक इतना तो अभी डालूंगी, फिर बाद में एक और बार टेस्ट कर लूँगी। अब इसको हम मेरे सांभर में नमक भी ठीक है अब और खट्टा भी ठीक है, और ये इमली जो बच गई इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ये काम आ जाएगी। या तो आप इससे रसम भी बना सकते हैं। कुछ मैंने अच्छे से डाल लिया है, अब मैं एक बार फिर से गैस को तेज करूंगी और एक सीटी आने से पहले, गाइस ध्यान से रखना, याद ध्यान से सुनो, एक सीटी आने से पहले मैं बंद कर दूंगी, ढक्कन लगा रही हूँ। तो टोटल हमने इसमें कितनी सीटी लगाई? सिर्फ दो, क्योंकि तीसरी जो मैं अब लगा रही हूँ इसको आने से पहले मैं बंद कर दूंगी और फ्लेम एकदम तेज रहेगी। देखो बस सीटी बजने ही वाली है। थोड़ा सा लेट हो गया आपको दिखाने के चक्कर में, कैमरा ऑन नहीं था, बंद, ठीक है। प्रेशर नहीं रिलीज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको साइड कर देंगे। कढ़ाई धुलकर आ गई है, इसमें हम डोसे का आलू मसाला रेडी करेंगे अब। सो मैं थोड़ी सा हवा खाने आ गई हूँ रूम में, बिकॉज मैं पूरी गीली हो गई और अभी कुछ दिनों से ना गर्मी इतनी हो रही है। तो वो सांभर तो बन गया है, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग के ना दो पार्ट कर दूँ, बिकॉज अभी तो सांभर में ही 10 से 12 मिनट की वीडियो बन गई है और अभी तो डोसा भी बनाएंगे, तो आलू भी बनाएंगे मसाले वाले जिससे हम डोसा बनाएंगे, मसाला डोसा। फिर मम्मा भी आएंगी, मम्मा का भी कंफर्म हो गया है, वो आ रही हैं। तो अभी तो व्लॉग है शाम तक का, तो फिर मैंने सोचा दो पार्ट कर देती हूँ। जब तक आप इसको देखो, सांभर ट्राई करो, मैं आपसे मिलती हूँ सेकेंड पार्ट में डोसा खाते हुए। जल्दी से मैं दूसरा पार्ट भी एडिट करके डालती हूँ।